कृषि आंदोलन का 19वां दिन है। अलग अलग तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनशन सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अब किसानों की संख्या बढ़ती हुई भी देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ शासन प्रशासन भी मुस्तैद और फोर्सेस की तैनाती भी ज्यादा कर दी है। कई जगह तो कई लेयर की सुरक्षा हम देख रहे हैं, सीआरपीएफ, आरएएफ, ये तमाम तरह की सुरक्षा आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आज किसानों का गुस्सा भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नजर आया है, जहां से वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, शायद किसी मंत्री की गाड़ी निकल रही थी, इसी से किसान गुस्सा गए, बौखला गए, ये कहते हुए कि सर्दी के दिनों में, कोरोना काल में हम सड़कों पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, उसके बावजूद यहां से मंत्री हमारी अनदेखी करके निकल रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता तो पहले से रोका हुआ था, लेकिन अब दिल्ली से लौटने वाला रास्ता भी किसानों ने रोक दिया। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई भी थी, लेकिन किसानों का कहना यह है कि हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन रखें, सरकार हमारी मांगे मान ले, हमें कोई शौक नहीं अपने घरों से दूर यहां बैठने का। ऐसे में किसान कह रहे हैं नया कृषि कानून, जिसे काला कानून नाम दे चुके हैं, कह रहे हैं तीनों कृषि कानून आप वापस ले लीजिए, हम अपने अपने घर लौट जाएंगे। 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, देश आजाद हुए, लेकिन किसानों की न दशा सुधरी न दिशा सुधरी, इसी को लेकर किसानों का गुस्सा है और कह रहे हैं सभी पार्टी अपनी अपनी तरीके से राजनीति कर रही है, अब बर्दाश्त होगा नहीं, सभी कानून वापस हो तब हम आंदोलन शांत करेंगे। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक एक छोटे